पब्लिक टीवी आपकी आवाज। मुरादाबाद नगर निगम में बोर्ड की बैठक शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुई। शाम 7 बजे तक चली बोर्ड की बैठक में शहर को विकसित करने और शहर की साफ सफाई को लेकर मुद्दे उठे। नगर निगम कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी हुई, जिस पर कर्मचारियों में खुशी दौड़ गई, तो वहीं पार्षदों ने अपने क्षेत्रों के विकास को लेकर खूब सवाल उठाए। इस दौरान करोड़ों रुपए की लागत से नगर निगम मुरादाबाद महानगर का विकास खाका खींचा जाएगा। इस अवसर पर महापौर विनोद अग्रवाल ने कहा कि जल्द ही शहर के लोगों को महानगर की बदली तस्वीर नजर आएगी। तो वहीं नगर आयुक्त संजय चौहान ने कहा कि नगर निगम की पूरी टीम शहर को स्मार्ट बनाने के लिए मेहनत कर रही है और शहर को स्मार्ट बनाने की ओर काम तेजी से चल रहा है। बोर्ड की बैठक में बजट पास हुआ है, जिसके बाद शहर का विकास हो सकेगा। बहुत सकारात्मक माहौल में आज की बैठक हुई। अभी ठीक 11 बजे बैठक आरंभ हो करके शाम 7 बजे तक इस बैठक की कार्यवाही चली है और बहुत सारे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई। बजट पास हुआ, कर्मचारियों के वेतन के मुद्दे का निपटारा हुआ, इसके अलावा सफाई व्यवस्था, स्मार्ट सिटी, डबल ESL कंपनी इत्यादि बहुत सारे विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई है और मेरा विश्वास है कि निश्चित रूप से आने वाले समय में इसका लाभ शहर को मिलेगा। आज लगातार 8 घंटे लगातार सदन में चर्चा हुई है। सभी लगभग माननीय पार्षदगणों को बोलने का अवसर मिला। सब लोगों ने अपनी वार्डों की समस्याएं रखी, शहर के ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा हुई है और इसके सकारात्मक परिणाम होंगे और शहर में आम नागरिकों की जो समस्याएं हैं वो आज पार्षदों ने उठाई हैं। सभी अधिकारियों को इसके संदर्भ में निर्देशित किया गया है। आने वाले 2 महीने के अंदर शहर में गुणात्मक सुधार भी नजर आएगा, चाहे वो सफाई का हो, सड़कों का हो, लाइट का हो, टैक्स का हो, अन्य मुद्दों पर सब पे आज चर्चा हुई है और मैं समझता हूँ कि आज सदन के आदेश पर आज चूँकि बजट पारित हो गया है, बजट पारित होने के बाद अब ये सब विकास कार्य भी शुरू हो जाएंगे। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।